तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने मार्च में शो छोड़ दिया था। उन्होंने शो मेकर्स पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसमें शो और उससे जुड़े तमाम लोग विवादों में घिर गए हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका काफी वक्त से शोषण हो रहा था, पर वो चुप इसलिए थी क्योंकि वो वक्त के साथ चीजें ठीक होने की उम्मीद कर रही थी। ट्विटर पे अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल की एक कॉल रिकॉर्डिंग लगती है। एक्ट्रेस ऑडियो में किसी शख्स से यौन शोषण की घटनाओं का जिक्र कर रही हैं। वो कह रही हैं कि I wrote down 15 years का incident. उसने पढ़ा, बोली जेनिफर, this is the pure case of sexual harassment. Your producer is asking you to come to his room every कितनी बार? तुमने खुद लिखा है कि बोल रहे हैं कि सिंगापुर में ये हुआ था कि 7 मार्च 2019 वी वर इन सिंगापुर। मॉडर्न लड़की है, पारसी लड़की है, तो यू नो ये आ जाएगी, यू नो ऐसा जो भी सोचा होगा फॉरेन में। तो बार बार मुझे के अरे जैसे 7 मार्च 2019 वाज माय मैरिज एनिवर्सरी, तो मुझे 8 मार्च को उन्होंने बोला आज तो एनिवर्सरी नहीं ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं है, आ जाओ रूम में। तो मैं तो मतलब डर के इग्नोर किया, चले गए मैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बोला धीरे से कि बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर दो। एंड आई वाज शेकिंग, आई वाज लाइक मैं क्या करूं। मैंने मेरे दो कलीग्स को बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनको बोलना होगा वो अपने आप आएंगे। तो उनमें से एक कलीग ने उनको बहुत चिल्लाया, क्या उसको बार बार सता रहे हो, कुछ बोलती नहीं है, तो ऐसा करते हो ये वो ऐसे करके उसने चिल्लाया उनको। क्लोजअप छोड़ दो, मैं थोड़ी ना जेठा लालू कि आप मेरे क्लोजअप के बिना ऑडियंस को फर्क पड़ेगा, नहीं वो भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग वो हुआ तो मेरा दिमाग गया कि क्या है यार, मैं क्यों काम कर रही हूँ। अगर मैं 15 साल देने के बाद मेरी बच्ची को 2 घंटा नहीं दे सकती हूँ तो इट्स यूजलेस वर्किंग हियर। आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि जेनी आ जाओ घर। तो मैंने बोला कि इन लोग मेरा पैसा रोक लेंगे 3.5 महीने का। तो उसने बोला जेनी आ जाओ वापस, छोड़ दो पैसा, उन लोगों को दान दे दो। मैंने कहा उन लोग मेरे को रिप्लेस करेंगे, बोले जेनी करने दो आ जाओ तुम। तो उस मयूर के मेरे हस्बैंड के यू नो बल पे मैं घर आई। एंड मतलब जब मैं निकलने लगी तो मुझे जतिन बजाज जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरी गाड़ी, जब मैं गाड़ी रिवर्स करी थी तो मेरी गाड़ी के सामने पहले मुझे बहुत रोका गया। गाड़ी के सामने मैं डायरेक्टर को बोल के आई कि सर मैं जा रही हूँ, हाथ जोड़ के उनसे मैंने माफी मांगी। मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, माफ करिएगा, कुछ भी भूल चुकी हूँ, माफ कर दो, लेकिन मैं जा रही हूँ। क्या नाटक कर रही हो, क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। वहां मेरी सटकी कि क्या, मैंने बोला क्या करेगा रे, मैंने कहा मेरा 3.5 महीने का पैसा रुकेगा, रख मेरी तरफ से दान है तुझे। तो उस चीज में बहुत साल से हम सह रहे हैं, मैं मेरी बात करी, बहुत लोग हैं ऐसे, उनको जिनको बोलना है वो बोलेंगे, मैं मेरी बात करूंगी। क्या असित मोदी पर लगाए गए आरोप सही है या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।